स्टूडेंट्स सो अपने कर रहे हैं क्लास 10 के लिए अपना जो लेसन नंबर 9 था वो कंप्लीट है। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। देखो नॉर्मल घरों में अपने जो लाइट है, मतलब पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, नॉर्मल अपने क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल रही है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। आज हम वही पढ़ेंगे कि किस कारण से क्या रीजन है, सब देखेंगे आज अपने। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। टॉपिक अपना क्या है, विद्युत धारा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। तो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले आवेशों के प्रवाह की दर को क्या क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, आवेश। चलो पूरे एक पर डेफिनेशन छोड़ो, सबसे पहले एक मेन पॉइंट लेते हैं, आवेश। क्या होता है आवेश? आवेश देखो, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं, चाहे मात्र है चाहे अपने खुद है, सब में आवेश भरे हुए होते हैं। आवेश के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। दो चीजें हर एक चीज में पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए प्रोटॉन जो है वो बहते नहीं है, मतलब इनसे जो है किसी भी विद्युत धारा का मतलब चलन नहीं होगा, इनको अपने बहाव की स्थिति कभी नहीं दे सकती। तो इसलिए जो विद्युत धारा है वो किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो बहती है। चलो ठीक है, मान लिया कि सब जगह है, पर बहती कैसे है। देखो मतलब ये मान लो अपने पास कोई चालक है, चालक तार मान लो या कुछ भी मान लो, चालक नहीं बहेगी धारा, चालक मान लिया अपने, ठीक है। अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और इससे प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो मान लो इसमें अपनों ने ये देखो, ये माइनस 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 चार्ज इस तरह से ना पूरे भरे पड़े हैं इस चालक तार में। तो अपने के क्या मतलब, एक ऐसी स्थिति होगी कि जब ये बहना शुरू करेंगे ना तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। मतलब आवेश तो यहाँ कह दिया लेकिन सिंपल बह क्या रहे हैं, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तभी धारा क्या हो रही है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो ये अपने पास इस टाइप से दे रही है, इसको अपने क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं इसको अपने, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट है, इसको ऐसे सीधा देखोगे, देखो इस तरह से है, तो आपको इसी शेप में दिखाई देगी। अगर इसको सीधा देखोगे तो कैसा है, ये गोल है,
मतलब रीजन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भारी होते हैं तो इनका तो बहना संभव ही नहीं है। चलो ये तो हो गया, अब अपने बात करते हैं कि ये इनका प्रवाह होता कैसे। तो मैंने कह दिया प्रवाह हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा बह रही है, कुछ तो रीजन होगा ना कि इनका प्रवाह होता है। तो देखते हैं आपको अपने वो रीजन क्या है। देखो टॉपिक तो अपना विद्युत धारा ही है, इसको पढ़े रहना। देखो मतलब मान लो कि ये अपने पास ना कोई ऐसे कोई मान लो तालाब है अपने पास, ठीक है, इसमें ये अपने पास पानी है। सपोज करो तालाब है, पानी है उसमें। इस पानी को क्या मानो, पानी की बूंदों को आप इलेक्ट्रॉन मानो। अब सोचो कि ये पानी जो है ये बहेगा कैसे, मतलब ऐसे पड़े पड़े बहने तो नहीं लग जाएगा ना, मतलब यूं है, या तो आप कहो कि थोड़ी हवा चलेगी तो क्या होगा, पानी हिलेगा, ये इधर उधर जा सकता है, ठीक है, या मतलब कोई इसको खुद से हिलाए तो हिलेगा ये। या फिर अपने क्या करें, इसके नीचे क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा कर दे नीचे की साइड, तालाब यहाँ है, यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं तो पानी क्या आएगा, ऑटोमेटिक इसमें जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, प्रवाह हो जाएगा। यहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो गया। सिंपल सी बात है, इनका अंतर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कर रहा है। तो इसी अंतर को अपने क्या कहते हैं, विभवांतर, विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको अपने, विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, विद्युत विभवांतर। देखो ये मेन चीज याद रखना बिल्कुल, कि विद्युत विभवांतर क्या है, जो अपने आवेश है उनको बहने का कारण ही विद्युत विभवांतर। अपने जो मतलब धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका रीजन ही ये विभवांतर है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह कभी हो ही नहीं सकता। एक जगह पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जैसे अभी बताया था, वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अपने लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। देखो एक धारावाही परिपथ है अपने पास, मैं आपको साथ साथ जो है डेफिनेशन लिख रही हूँ, साथ साथ बता रही हूँ आपको। धारावाही परिपथ है अपना, धारावाही परिपथ कैसे ले लो, कोई भी परिपथ ले लो, ठीक है, ये रहा अपने पास। मतलब यहाँ पे मान लो कि बैटरी लगी है, ठीक है, साथ में क्या है अपने पूंजी जोड़ रखी है इस तरह से, इसमें प्लस है माइनस है, बीच में पूंजी लगा दी, इसको बंद कर दिया, धारा बह रही है, तो ये कौन सा परिपथ हो गया अपने पास, एक धारावाही परिपथ हो गया। तो धारावाही परिपथ में आवेश को या इकाई आवेश को या एकांक आवेश को, इकाई आवेश को, आवेश को एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, इसको ए नाम दे दिया, ए बिंदु,
इधर से क्या लिखेंगे अपने इसको, नेगेटिव। याद रखना हमेशा जो बड़े वाला साइज का होगा उस साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव, और धारा जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। तो इस तरह से बहेगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इस तरह से होती हुई आएगी। ये तो पता चल गया आपको, बल लगाइए होगी अपनी कुंजी, डॉट लगा दिया मतलब धारा का प्रवाह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये देखो इसमें अपनों ने जो सब चीजों का यूज किया ना, ये तो चलो परिपथ अपनों ने बता दिया क्या है, जो जो चीजें लगाई हैं वो सब क्या है, अवयव है, इनके अलग से प्रतीक होते हैं, मतलब अपने इनको किससे इंडिकेट करके अपने इसको बता सकते हैं। तो देखो ये सबसे फर्स्ट देखो, ये तो आपका आ गया बल, मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है। दूसरी क्या आ गई आपकी, इस टाइप से अगर इसके अंदर डॉट लगा है तो कुंजी, ठीक है, डॉट लगा है मतलब धारा बह रही है, अगर डॉट नहीं लगा मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। थर्ड आ गया अपने पास इस टाइप से, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने पास ये क्या आ गई, बैटरी का साइन होता है, इसको जब किसी भी परिपथ में लगाते हो और स्विच ऑन कुंजी को ऑन किया जाता है तो धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपनों ने कम चीजों से दर्शाया, और भी बहुत सी होती है। देखो ये तो हो गया बल्ब, पूंजी, बैटरी हो गया, उसके बाद अपने क्या करते हैं इस टाइप से एड एंटर होता है अपने पास, इसको अपने आगे पढ़ेंगे पूरे का पूरा। एक साइड इसकी पॉजिटिव और एक साइड इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये क्या है अपने पास, एड एंटर। अभी फिलहाल इतना याद रखना कि एड एंटर किसके काम आता है, धारा नापने के काम आता है। किसी भी चीज में कितनी करंट जा रही है वो किससे नाप सकते हैं, अपने एमीटर से नाप सकते हैं। उसके बाद आ गया अपने पास पांचवा वोल्ट मीटर। नाम से पता चल रहा है वोल्ट मतलब किस क्या काम आता है, ये विद्युत विभवांतर नापने के, ये है वोल्ट मीटर। अपने इसको किसी भी परिपथ में लगा रहे हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि जैसे ये ए पॉइंट है, यहां से कहां जा रहे हैं अपने, ये बी पॉइंट, यहां ले लो, ए से बी तक अपना कितना जो है वोल्टेज जा रहा है, अगर इसके अंदर एमीटर लगा तो अपने को पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर किसके काम आ गया, विभव या विभवांतर नापने के, ठीक है। मोस्टली हो चुका है ये, एक दो तीन और पांच चीजें हो गई है, बाकी जैसे जैसे नेक्स्ट आएंगे वैसे वैसे आपको करवाते रहेंगे। आज अपनों ने तीन पॉइंट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी